अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत के कुछ अहम फैसला जात, रामबाग तसादों पर शक व शुभात, मौसम की मार और दीगर मौजूदात हैं आज के बुलेटिन का हिस्सा। लेकिन आगाज़ इस खबर से, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आज कबायली लोगों की फलाह व बहबूद के लिए दो अहम फैसले लिए हैं। हुकूमत ने कबायली लोगों के लिए 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल्स में तब्दील करने का फैसला लिया है। एक और बड़े फैसले के तहत हुकूमत ने गद्दी, सीपी, दर्द और शिना कबीले के 21,000 बच्चों को वज़ाइफ़ फ्राहम करने का भी फैसला लिया है। आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए जम्मू कश्मीर के 200 स्कूलों का कायाकल्प करके उन्हें स्मार्ट स्कूल में तब्दील करने की एक नई पहल, मैं कहूँ कि ऐतिहासिक पहल प्रारंभ हुई है। गुजर, बकरवाल, गद्दी, सीपी परिवारों को इस योजना को मैं समर्पित करता हूँ। जो भी हमारे आदिवासी भाई बहन बच्चे हैं उनको समर्पित करता हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ। लेकिन आदिवासी भाइयों को ये जरूर याद दिलाना चाहूँगा कि आदिवासी समुदाय की शिक्षा में सुधार के लिए सन 2000 में ही एकलव्य स्कूल के नाम से परियोजना देश भर में शुरू हुई थी। और आज वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी समुदाय के आत्मविश्वास को जगाने की जो कोशिश की है, उनके हक उन्हें वापस देने का जो एक सफल प्रयास किया है, उसे जम्मू कश्मीर में शिक्षा की क्रांति के जरिए हम सब पूरा करना चाहते हैं, हम आपको भरोसा देना चाहते हैं। मित्रों, दो चरणों में जिन 200 स्कूलों के आधुनिकीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना को दूर दराज के क्षेत्रों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इधर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हैदरपुरा श्रीनगर में आम शहरी हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक ज़रूर है, लेकिन कुछ अनासर ऐसे वाकात का फ़ायदा उठाकर आलमी फर्मों पर हिंदुस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि वह ऐसे वाकया नहीं होने चाहिए और इस वाकया के लिए सरकार ने एक कमीशन भी गठित किया है, वो इसकी छानबीन करेगा और जो इसमें दोषी हो गए उनको सज़ा मिलेगी। लेकिन आपको ये बात भी देखनी है कि जो सारे आज इंटरनेशनल फोरम है, जो आज भारत के खिलाफ साजिश बन रही है और उसके लिए उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक इजी टारगेट लगता है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कितना भी उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे, वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, भारत सरकार इसमें कामयाब हो जाएगी और यहाँ के लोगों को पिछले जो 30 सालों में जो यहाँ के लोगों को सहना पड़ा है उससे निजात मिलेगा। नाज़रीन, श्रीनगर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक कौल ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी दफ़ा 370 की मनसूखी से मुतालिक अदालती फैसले की पासदारी करेगी। ताहम उन्होंने कहा कि इसे हटाना बीजेपी का अरसे दराज से ही एजेंडा रहा है, क्योंकि भाई ये कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला भारतीय जनता पार्टी उसको ओन करेगी। ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट के खिलाफ हैं, कोर्ट जो फैसला देगी वो सबसे सर्वोपरि है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना, जब से भारतीय जनता पार्टी वजूद में आई है और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो नेहरू जी के सरकार में उद्योग मंत्री थे, इंडस्ट्री मंत्री थे, उसका यहाँ बलिदान होना कश्मीर में, तब से हम लोग कह रहे हैं कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये केरल का बीजेपी का आदमी भी नारा देता है और लद्दाख का भी बीजेपी का आदमी भी नारा देता है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, 1953 से 370 और 35 ए को हटाने के पक्ष में है और वो हट गया और हमेशा इस पक्ष में रहेगी। लेकिन जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट का फैसला हमको सर्वमान्य हो। नाज़रीन, रामबाग श्रीनगर में कल शाम पेश आए मुबैना तसादों पर पीडीपी सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कई सवाल उठाए हैं। समाजी राब्तगाह ट्विटर पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इतलात और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग एकतरफा थी, इसलिए इस पर शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एक बार फिर उनका बयान हकीकत और ज़मीनी हकाइक के बरअक्स है, जैसा कि शोपियाँ, HMT और हैदरपुरा में देखा गया था। वाज़ह रहे कि
गुज़श्ता शाम श्रीनगर के रामबाग इलाके में पुलिस ने 3 अस्करियत पसंदों को मुख्तसर तसादम के दौरान खलाक करने का दावा किया था। तहम अवामी हलकों समेत सियासी जमात ने पुलिस के बयान पर शकूक व शुबात का इजहार किया है। और अब कुछ बात मौसम की। नाज़रीन, वादी कश्मीर में मतला अबर आलूद रहने से शुबाना दर्ज हरारत में कदरे बेहतरी वाक़ हुई है। तहम सुबह और शाम के अवकात सर्दी की शिद्दत में इजाफे से लोगों, खुसूसन बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों को मुश्किलात का सामना है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में फिल वक्त किसी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। उन्होंने कहा कि वादी में फ़िलहाल मौसम मजमू तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। जैसे पहचान हुई था कि मौसम खुशक रहने का अमकान था, बिल्कुल मौसम अभी खुशक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरा रीजन में अभी ठंड भी है, क्योंकि अभी कोई बारिश या बर्फ़ हुआ नहीं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई तक वो एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं होने की वजह से मौसम ऐसे क्लियर ही है। अमूमन सुबह शाम वादी कश्मीर में विजिबिलिटी जो है थोड़ा हेजी कंडीशन, यानी विजिबिलिटी थोड़ा पुअर रहता है, रहा भी है, आने वाले दिनों में भी ऐसे रहने का इम्कान है। टेम्परेचर की बात करें तो कश्मीर और लद्दाख रीजन में बिलो फ्रीजिंग डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। ठंड है और बढ़ेगा आने वाले दिनों में। जम्मू में अभी 5-6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर चल रहा है। और जहाँ तक बर्फ़ की पेशनगोई करें तो बर्फ़ का अभी कोई होने का, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक अभी मौसम अमूमन खुशक रहने का इम्कान है। कल थोड़ा ओवरलूट यानी क्लाउडी रहेगा, जिसकी वजह से मिनिमम टेम्परेचर कम से कम दर्ज हरारत में थोड़ा सा 1-2 डिग्री से इजाफा हो सकता है। बाकी अदर देन दिस देयर इज़ नो फोरकास्ट ऑफ एनी मेजर स्नोफॉल एक्टिविटी, ऐसे कुछ नहीं। मौसम अमूमन ठीक ही रहने का इम्कान है, ठंड रहेगा। और नाज़रीन, दर्जा चहारम के ख्वाहिशमंद बेरोज़गार नौजवानों के एक वफ्द ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि दर्जा चहारम के लिए मुश्तहर की गई कुल 8,575 असामियों को पुर किया जाए। मुजाहरीन ने जम्मू कश्मीर सर्वर सिलेक्शन बोर्ड, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि इन असामियों के लिए मुंतखब हुए दीगर उम्मीदवारों के साथ इंसाफ किया जाए। हमने आज एक प्रोटेस्ट रखा है इसलिए क्योंकि JKSSB ने 8,575 पोस्ट निकाली थी, जो कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाली थी लास्ट ईयर 2020 में। बट हमने एग्ज़ाम दिया है मार्च 1 को 2021। टिल नाउ हमारी सिर्फ एक डीवी लिस्ट निकली है, जिसमें ग्रेजुएट्स का मसला भी था, उन्होंने वो उसकी वजह से भी डिले किया है थोड़ा सिलेक्शन लिस्ट। अब जब कोर्ट ने दिया है डिसीजन कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है, तो इनको निकालने थे 1:4 रेशो के हिसाब से, इन्होंने नहीं निकाली। इन्होंने ग्रेजुएट्स को लेके 1:4 रेशो निकाला, वो 9,600 कैंडिडेट्स थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्टर किए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, वो बचे यही 5,500 में भी उन्होंने के 352 लड़के बाहर। एंड रिमेनिंग जो पोस्ट थे वो थे करीबन 3,000 प्लस पोस्ट्स, वो भी उन्होंने फिल नहीं किए, ना ही उनकी कोई नोटिफिकेशन आई टिल नाउ। अब जब हम GAD को अप्रोच करिए, JKSSB को अप्रोच करें, वो बोल रहे हैं कि आप ही हमें ऑर्डर लेके जाओ। हम क्यों ऑर्डर लेके लाएंगे उनके लिए? अब हमारा ये है कि एक तो ये 3,000 पोस्ट्स हमें मिलने चाहिए हमें उनको, क्योंकि हम नियर कट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट कट ऑफ हुआ है उनके हम थोड़े 0.1 से ड्रॉप हुए हैं। सेकेंडली जो ग्रेजुएट्स है इसमें उनको भी निकाले, क्योंकि अगर ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है तो अंडर ग्रेजुएट्स को दो ये। नाज़रीन, आपको बता दें कि JK Web TV का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत JK Web TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।